चलो देखते हैं आज मम्मा क्या बना रही है। तो मम्मा क्या बना रही हो ये? ये मैं बना रही हूँ डोमिनोज स्टाइल पिज्जा घर में, जिसके लिए मैंने 2 घर भी बनाया है। तो फ्रेशली बेक्ड पिज्जा आज हम बनाने वाले हैं, वो भी तवे पर, बिना अवन बिना तंदूर को यूज किए आज हम इस पिज्जा को बनाएंगे, वाह जो बहुत टेस्टी बनता है। जिसके लिए मैंने सारी सब्जियां काट ली हैं, ये सारी सीजनिंग है जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, सॉस है, ये यहाँ पर हमारा बटर है, और ये कुछ पनीर है, मक्खनी पनीर जो हम इस्तेमाल करेंगे पिज्जा बनाने में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेस, जिसके लिए हमने ये डो निकाल लिया है। इसको हम नॉर्मल रोटी की तरह पहले बेल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पिज्जा को बेल कर तवे पर फैला लिया है। अब हम इसे प्रिक करेंगे। आपके पास अगर फोर्क ना हो तो किसी टूथपिक से आप इसे प्रिक कर सकती हैं। और अब हम इसे सेक लेंगे। तो हमने कर दिया है फ्लेम हाई, और तकरीबन 2 से 3 मिनट एक तरफ से सिकने में लगेंगे, टोटल 5 मिनट में दोनों तरफ से सिक जाएगा। हाई फ्लेम पर इसे सेकेंगे। के बाद हमारा पिज्जा, देखिए पिज्जा बेस ऊपर से ना थोड़ा थोड़ा फुला हुआ आपको दिखेगा, जब ऐसा दिखे तब इसे फ्लिप कर दीजिए, बड़ी आसानी से फ्लिप हो जाएगा ये देखिए। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी वापस से 2 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। उसके बाद ये हमारा घर में फ्रेशली जो हमारा बेस है बनकर हो जाएगा तैयार। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये बेस बनकर तैयार हो गया है। मैंने गैस की फ्लेम कर दी है बंद, घर में बहुत शानदार